वेलकम बैक। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ शुरू कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की स्टार्टिंग कुछ वैम्पायर से होती है। यहाँ पर कुछ वैम्पायर्स मर रहे थे तो कुछ जिंदा थे। कुछ वैम्पायर वैम्पायर हंटर के नाम से जाने जाते थे, जो कि वैम्पायर को मारते थे और उनकी आबादी में काफ़ी कमी ला रहे थे, बिकॉज जो वैम्पायर हैं वो आफ्टर ऑल इंसानों को ही मारकर अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। इसके बाद कुछ वैम्पायर्स के हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगती है जिसकी वजह से वैम्पायर्स की सारी फेट चेंज होने वाली थी। आफ्टर दैट वैम्पायर्स की चार बड़ी फैमिलियाँ मिलकर एक कमेटी बिठाती हैं। उसमें ये डिसाइड करती हैं कि आज के बाद हम किसी भी इंसान को मारने के खिलाफ रहेंगे और हमें से कोई भी वैम्पायर ये सब नहीं करेगा। चार बड़ी बड़ी फैमिलीज को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है और उसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें सारे के सारे वैम्पायर थे। सभी सुबह उठकर स्कूल जाने वाले थे। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन करवा दें, तुम्हारा मेन लीड सी यू, सेकेंड मेन लीड शुन, थर्ड मेन लीड मुयान और फोर्थ जी से। ये चारों ब्रदर्स की तरह एक ही घर में रहते हैं और इनकी फैमिली काफ़ी तक क्लोज है और चारों एक दूसरे को ब्रदर कहकर बुलाते हैं। सभी अपने स्कूल के लिए जाने लगते हैं और काफ़ी लेट भी हो रहे थे। बाकी सभी तो चले जाते हैं लेकिन शुन जीयू को बुलाने के लिए ऊपर जाता है। यहाँ पर जीयू तो बड़े मज़े से सो रहा होता है। ये हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड है। इसके बाद उसे जगाता है कि भाई चल स्कूल नहीं चलना क्या। जीयू कहता है कि क्या है स्कूल रोज़ रोज़। इसके बाद बड़ी मुश्किल में बेचारा उठ जाता है, जैसे कि हम रोज़ करते हैं स्कूल जाने में बहाने। वैसे स्कूल तो मेरा नहीं रहा, अब कॉलेज हो गया है। सब में से कितने लोग स्कूल जाते हैं, मैं तो कॉलेज भी नहीं जाती। बाय द वे जीयू जैसे तैसे उठकर तैयार होकर स्कूल जाने लगता है। यहाँ पर जीयू और शोन एक साथ बाइक पर बैठकर स्कूल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में शुन कहता है कि हम बहुत लेट हो गए। जीयू कहता है कि चल 2 घंटे 5 मिनट तो लेट हुए हैं। शुन कहता है कि ये कम है। जीयू कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं लगता। अब हम समझ ही सकते हैं कि इन वैम्पायर्स की पढ़ाई आखिर चल कैसी रही है। स्कूल में जाकर भी जीयू मज़े से आराम से सो रहा होता है। टीचर्स भी उसे कुछ नहीं बोलते बिकॉज भाई साहब बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहीं पे हमारी फीमेल यान की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी सुंदर तो थी ही, वो आते ही क्लास को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके बाद जीयू की नज़र उस पर पड़ती है। उसे देखते ही उसे यान से प्यार हो जाता है बिकॉज वो काफ़ी क्यूट और सुंदर भी रहती है। इसके बाद अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। जीयू की डेस्क मेट उसके साथ थी, तभी जीयू से कहता है कि तुम बहुत इरीटेटिंग हो, क्या तुम सीट चेंज नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि तुम्हें कहाँ जाऊँ। जीयू कहता है कि हाँ सही बात है, तुम कहाँ जाओगी। लेकिन उसे तो यान से बात करनी थी। इसके बाद जैसे तैसे डायरेक्शन मिलाकर उससे पीछे से बात करता है और कहता है कि हेलो न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है। तभी यहाँ पर यान अपना नाम बताने लगती है, पर जीयू को इतने दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और कहता है कि क्या कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो क्या, देखो मेरी मैथ वैसे भी बहुत वीक है। तभी यहाँ पर टीचर उन दोनों को टोकते हैं और कहते हैं कि क्या क्लास में बात करना ज़रूरी है। और जीयू ठहरा नवाब ज़्यादा, उसे कहाँ फ़र्क पड़ता है कि टीचर उसे डांटे या फिर कुछ भी कहें। यहाँ पर टीचर ही उसे बोलते बोलते थक जाती हैं और कहती हैं कि जाओ कुछ भी करो। इसके बाद जब क्लास ओवर हो जाती है तो यहाँ पर जीयू जाकर इहान को अप्रोच करता है। इहान के डेस्कमेट से कहता है कि क्लास ओवर हो गई तुम्हें बाहर नहीं जाना। तभी वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँगी। तभी जीयू कहता है कि जाओ बाहर जाओ, कुछ काम वाम करो, यहाँ पर दिन भर बैठी रहोगी क्या, चलो डेस्क खाली करो। इसके बाद वो डेस्क खाली करके ज़बरदस्ती करवा ही लेता है तो करनी पड़ेगी। जीयू वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझे अब मैथ पढ़ाओ, जो कि तुम मुझे बता रही थी ना बीच क्लास में। इहान कहती है कि वो मैथ नहीं थी, वो मेरा नाम था इहान, ये मेरा नाम है। जीयू कहता है कि ओ तुम्हारा नाम काफ़ी क्यूट है। इसके बाद इन दोनों को देखकर शुन की डेस्कमेट भी उससे कहती है कि क्या हम दोनों बाहर बैडमिंटन खेलने चलें। शुन कहता है कि किसी और के साथ जाओ ना, मैं क्यों बैडमिंटन खेलूं, मुझे वैसे भी स्पोर्ट्स वगैरह पसंद नहीं है, तो मेरा दिमाग मत खाओ। तो वो कहती है कि वो तो बस पूछ ही रही थी। शुन कहता है कि तो मैंने पूछने पर बता भी तो दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम बहुत रूड हो। शुन कहता है कि तुम्हारे लिए तो हमेशा रहूँगा। यहाँ पर उसका ध्यान जीयू और इहान पे कुछ ज़्यादा ही था। फिर उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सिटी में कुछ अजीब सी वैम्पायर्स वाले एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई सारे वैम्पायर्स हमें पाए भी गए हैं, पर उनका कोई अभी ठोस सबूत नहीं मिला है। आई होप कि वो वैम्पायर जल्दी ह्यूमंस को हट करना बंद कर दे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने रास्ते जा रही होती है, तभी उसे एक वैम्पायर अप्रोच करता है। उस वैम्पायर को देखकर वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है, इतने में वो वैम्पायर उसे बाइट कर लेता है। यहाँ पर उसके गले पर बाइट का निशान था। इसके बाद वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए आगे जाने लगती है। उसके बाद उसे सामने 3 लड़कियाँ दिखती हैं, वो उनसे हेल्प मांगती है। पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती हैं, पर जैसे ही वो कहती है कि वैम्पायर है वहाँ पर, वो तीनों उसे छोड़कर भाग जाती हैं। कितनी डरपोक हैं, चार थी, चार को एक वैम्पायर थोड़ी ना मारकर खा जाता, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर ऐसे ही भाग जाती हैं।
बेचारी लड़की भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी कि यार मुझे तो ले लो, वाइट तो मुझे किया है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है भागने की। इसके बाद हम जियू को देखते हैं जो कि रनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल जियू का स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके बाद इहान भाग भाग कर आ रही होती है और वो जियू से टकरा जाती है। तभी जियू कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो, सीधा अगर मुझसे टकरा गई ज़बरदस्ती क्या ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ईयान कहती है कि तुम भी ना, तो वो बताती है कि तुम्हें पता है कि हमारे कैंपस में एक वैम्पायर है, उसने एक लड़की को बाइट भी कर लिया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं उसने हम दोनों को बाइट नहीं कर लिया। इसके बाद वो जियू से कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से, कहीं वो वैम्पायर आ गया तो हम दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। जियू कहता है कि वैम्पायर, तुम वैम्पायर से डरते हो क्या? ईयान कहती है कि हाँ कौन ही डरता, हर इंसान डरता है। जियू कहता है कि वैम्पायर इतने भी स्कैरी नहीं होते, बट अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ईयान कहती है कि किस लिए? तभी जियू कहता है कि देखो इस कैंपस वैम्पायर है और वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए तुम अपने डॉम में जा नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ईयान कहती है कि तुम्हारे घर में क्या करूंगी? जियू कहता है कि देखो एक तो मैं बहुत बहादुर ऊपर से हैंडसम भी हूँ, मेरा घर भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे रूम है। अभी ईयान कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर जाऊँ? जियू कहता है कि इतना शर्माते क्यों, मेरा घर बहुत बड़ा है, हम रह लेंगे आराम से। इसके बाद वो जैसे तैसे जियू के कहने पर मान जाती है और कहती है कि ठीक है तुम्हारे घर ही चलते हैं। इसके बाद जब जियू ईयान जियू के घर पर पहुंचते हैं तो ईयान कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। जियू कहता है कि बस बाहर से, अंदर चलो अंदर और भी बड़ा है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो इन्हें काउच पर बैठा मूवी दिखता है। तभी मूवी कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर जियू कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। मूवी कहता है कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, इंसानी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? जियू कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, दरअसल कैंपस में एक वैम्पायर है, वो इन सभी को परेशान कर रहा है, इसलिए मैं उसे सेफ फील करवाने के लिए अपने घर ले आया। तभी यहाँ पर मूवी कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सेफ रहेगी? इसके बाद अपने वैम्पायर वाले दांत उसे दिखाता है। उसे देखकर यहाँ डर जाती है और कहती है कि ओह माय गॉड वैम्पायर, एक से जान छूटी हुई यहाँ पर दूसरा आ गया। मूवी कहता है कि ज़्यादा डरो मत, तुम्हारे बगल में खड़ा इंसान भी वैम्पायर ही है, जिसे तुम इंसान समझ रही हो वो दरअसल तुम्हारा वैम्पायर दोस्त है। तभी यहाँ पर ईयान उससे भी डर जाती है और कहती है कि तुम भी वैम्पायर हो। जियू कहता है कि ओ तुम चिंता मत करो, हम ऐसे वैम्पायर हैं जो इंसानों को नहीं काटते, हम बहुत ही शरीफ वैम्पायर हैं। तभी यहाँ पर मूवी कहता है कि ये बस तुम्हारे मन का वहम है। तभी मूवी यहाँ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हर तरह की वैम्पायर इंसानों पर ही फीड करते हैं और तुम्हें इस घर में रहे ज़्यादा देर नहीं रहेंगे और तुम ऊपर से उतार जाओगी। जियू मूवी से चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि ईयान तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ चलते हैं। ये तो कुछ भी कहता है लेकिन मैं तुम्हें बाइट नहीं करूंगा ना, बिकॉज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसके बाद उसके रूम में जाता है, यहाँ पर उसका रूम दिखाता है जो कि बहुत ही आलीशान था, इतना आलीशान कि बस अब कहूँ क्या, आलीशान ही था। जियू ईयान से कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, आराम से सो जाना, इसके बाद मैं सुबह तुमसे मिलता हूँ। इसके बाद जब सुबह होती है तो ईयान अपने डॉम में वापस जाने लगती है, इतने में ही जियू से रुकता है और कहता है कि तुम वापस डॉम में जा रही हो? तभी यहाँ पर ईयान कहती है तो जिंदगी भर तो यहाँ पर नहीं रुक सकती। जियू कहता है कि तुम्हें पता है कि वैम्पायर अभी तक वहाँ से नहीं गया होगा, तो तुम्हारा वहाँ पर जाना काफ़ी डेंजरस है। तभी ईयान कहती है तो मैं क्या करूं? इसके बाद जियू उसके गले पर उसे एक बाइट करता है और कहता है कि एक निशान है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके बाद कोई भी वैम्पायर या फिर इंसान तुमसे प्यार करने की कोशिश भी नहीं करेगा, आज से तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही हो, इसे तुम काफ़ी क्यूट हो इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे ख्याल रहने दो, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हूं, मैं हैंडसम जो हूं मैं समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, अपना जवाब बाद में दे देना, अभी सोच लो थोड़ा। इसके बाद बेचारी ईयान डर के नीचे बैठ जाती है, आखिर बेचारी करे तो करे क्या, जाए कहाँ पर, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं है, सारी जगह तो वैम्पायर से बड़ी है, अगर डॉम में जाएगी तो वैम्पायर काट लेगा, यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर तो वैम्पायर ही वैम्पायर हैं, पर बेचारी कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद हम मूयान को देखते हैं जो कि मूई से बात कर रहा होता है कि तुम्हें पता है कि अजीब सी स्ट्रेंज बिहेवियर वैम्पायर्स के हो रही हैं, जो वैम्पायर अभी हमारे आसपास घूम रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि हमारे लिए और वैम्पायर्स के लिए काफ़ी बड़ा सवाल बनकर अब उठ रहा है। तो यू कहता है कि वो जियू भी नहीं है और मुझे नहीं लगता, पता नहीं कौन हो सकता है। तभी ये दोनों इस बारे में काफ़ी परेशान होते हैं, उतने में उस वैम्पायर को देखते हैं जिसने कि उस रात उस लड़की पर हमला किया था, यहाँ पर इस बंदे से मिलने जाता है। इन दोनों की कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, हमें घंटा भी समझ में नहीं आता कि आखिर मामला चल क्या रहा है, वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता ही चल जाएगा। इतने में ही ईयान नीचे आती है, यहाँ पर उसे मूवी देखता है जो कि सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। ईयान कहती है कि तुम ही सबके लिए खाना बनाते हो? मूवी कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, दरअसल इन सारे लोगों की सुबह की शुरुआत मेरे खाने से होती है, अब तुम्हारी भी होने वाली है। ईयान कहती है क्या वो हेल्प कर दे? मूवी कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम इस घर की प्रॉपर सदस्य बन चुकी हो तो तुम्हें करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों खाना बनाने लगते हैं। इतने में ही सभी फैमिली मेम्बर वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, यहाँ पर सभी इकट्ठा तो होते हैं, जिसे खाने को लेकर काफी एक्साइटेड होकर खाने की तरफ भागता है।
प्लेट जस्ट गिरने वाली होती है, इतने में जियू जल्दी से आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि ईहान जरा बच के रहा करो, ये वैम्पायर्स का घर है और यहाँ पर कोई भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, कौसम कोई भी गलती नहीं करते। ईहान कहती है कि ओ मेरा ध्यान नहीं रहा। इसके बाद ये सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर जियू सभी से ईहान का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि देखो ये ईहान है और ये मेरी फ्रेंड है और आज से वो यहीं पर रहेगी, क्योंकि डॉम में बहुत सारे वैम्पायर हैं इसलिए वो यहाँ पर सेफ रहेगी। इतने में शुन कहता है कि यहाँ पर रहेगी तो और बुरी तरीके से मरेगी, बिकॉज हम वैम्पायर हैं और ये इंसान है। तभी यहाँ पर सियू कहता है कि तुम ज्यादा क्यों सोचते हो, वैसे भी हम इंसानों को नहीं मारते। ईहान जस्ट रिलैक्स। शुन मजाक कर रहा है। शुन कहता है कि वैसे मैं मजाक कम करता हूँ, बचकर रहना, नहीं तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगा। ईहान को सियू डरने नहीं देता और कहता है कि ओ ये सब मजाक है। इसके बाद वो कहता है कि मैं इन सभी से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, बट कुछ ज़रूरी भी नहीं है, ये सब इतने भी खास नहीं कि इंट्रोड्यूस हो, बट फिर भी जान लो एक दूसरे को तो बेटर रहेगा। और हाँ, यू सभी से कहता है कि एक बात और, ईहान मेरी है तो किसी ने भी अगर उस पर हाथ रखने या फिर टच करने की भी कोशिश की ना या फिर उसके क्लोज गए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ में आई ना। मैं पहले ही सबको वार्निंग दे देता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो, अंडरस्टैंड गाइस। सभी इस पर कोई भी जवाब नहीं देते। इसके बाद ये सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर शुन का बिहेवियर कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज था, वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा था। इतने में ही चीज़ें आग में घी डालने का काम कर देता है और कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारा खाना खा लूँ। तभी यहाँ पर शुन अपना ब्रेकफास्ट ही छोड़कर चला जाता है ये कहते हुए कि हाँ भूखे सब कुछ तू ही खा ले, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। लेकिन जीशे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूखे मरो या फिर कुछ और करो, खाना ही जिंदगी है और जिंदगी ही खाना है। इसके बाद ये सभी अपने अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। इतने में ही हम शुन को देखते हैं जो कि जियो के साथ हमेशा एक बाइक पर ही स्कूल जाता है। आज ईहान भी थी तो इन तीनों को एक साथ बाइक पर जाना था। इतने में शुन जाकर अपनी बाइक ख़राब कर देता है। जब जियो उसे चलाने के लिए होता है तभी शुन कहता है कि बाइक ख़राब है तो हम कार से चलते हैं। इसके बाद ये तीनों कार से स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल में ही जियू ईहान को आकर चॉकलेट देता है। इतने में ही शुन वहाँ पर आता है। ईहान चॉकलेट खाने के लिए होता है, शुन उसकी चॉकलेट बार बार कैची से काट देता है। तभी यहाँ पर कहता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है। शुन कहता है कि मेरी दिक्कत तुम दोनों हो। इसके बाद शुन वहाँ से चला जाता है। अब इसे जेलसी किस बात की हो रही है, शायद उसे ये पसंद नहीं है कि ईहान और जियू एक साथ डेट करें और इतने आसपास घूमें। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली जेलसी जेलसी। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।